दोस्तों वेलकम बैक। मेरा नाम है एसएमसी कपिल देव। एसएमसी मतलब स्वास्तिक मोबाइल केयर। दोस्तों मार्केट डाउन है, प्रिडिक्शन ले लेते हो इधर उधर से, मगर प्रिडिक्शन राइट नहीं हो रही है। पैसा लगा देते हो फिर डाउन चले जाते हो। रीजन मिलता है यार, मार्केट डाउन है, बिटकॉइन डाउन हो गया, इथेरियम डाउन हो गया, मार्केट डाउन है, इलॉन मस्क ने ट्वीट कर दिया, चाइना ने बैन कर दिया। मिल रहा नहीं मिल रहा, सबका यही मिल रहा। देखिए जितने भी यूट्यूबर है, मेरा एक यूट्यूबर भाई, मेरा एक मतलब एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था, सर जब मार्केट अप जाती है तभी चूहे बाहर निकलते हैं। सही है, सही है, बिल्कुल सही है उसका भी कहना भाई का मेरे, कि यार हम लोग जो यूट्यूबर्स हैं बताते हैं ये कॉइन इतना ऊपर चला गया, आज इनको 10x मिले, 100x मिले, 1000x मिले इस कॉइन के, अगर इसमें ट्रेड कर लेते तो क्या होता। लेकिन आपका भाई एसएमसी कपिल देव आज आपको दो कॉइन बताने वाला है, जो आप खरीदेंगे तो 6 पक्का है मेरे दोस्त, क्योंकि ये कॉइन अभी रेट डाउन पे लिस्टेड हुए हैं और डाउन भी जा रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं, पहले बात कर लेते हैं कि पहले कॉइन की बात कर लेते हैं, दूसरे कॉइन में आपको दूसरे बारे में बताऊंगा। पहला कॉइन क्या है? पहला कॉइन है दोस्तों मैटिक, पॉलीगोन मैटिक। अब पॉलीगोन मैटिक की बात करें तो ट्रेड जब जिस दिन कॉइन स्विच पे लॉन्च हुआ था उस दिन बहुत अच्छा पंप देखने को मिला, बहुत बढ़िया, लोगों ने खरीद लिया, सोचा कि हवा थी भाई 500 पे जाएगा, 500 पे जाएगा, मगर मार्केट डाउन थी फिर भी पंप किए जा रहा था, 217 पे जाकर ढह बोल गया और नीचे आ गया, ऊपर लोग फंस गए, आप भी फंसे, कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर देना जरूर। अब क्या हो रहा है, क्या देखिए मैटिक ऊपर तो जा रहा है मगर 100, 110, 120 से फिर नीचे आ जाता है, 100, 110, 120 से फिर नीचे आ जाता है। क्या होगा मैटिक का? पहले मैटिक के बारे में जान लेते हैं, कॉइन के बारे में जरूर जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने कहीं कहीं से सुना होगा कॉइन कैसा है, कैसा कॉइन है, मैं भी आपको बताता हूं, मगर चुनिंदा बातें बहुत जबरदस्त वाली, तो ये देख लेते हैं, मेरी स्क्रीन पे आ जाइए। तो दोस्तों मैटिक के लिए चल लेते हैं, पहले मैं अपना खोल लेता हूं कॉइन स्विच, उसके ग्राफ को मैं आपको दिखा देता हूं, मतलब इंटरफेस ऐसा दिखा देता हूं कि कैसा इंटरफेस है, ये तो आप कॉइन स्विच जानते ही है। मार्केट में चलते हैं और सर्च कर लेते हैं मैटिक, मैटिक सर्च कर सकते हैं, पॉलीगोन मैटिक भी कर सकते हैं, मैटिक सर्च कर लिया मैंने, और अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है देखिए, अभी ट्रेड कर रहा है 113 रुपीज पे, आज का हाईएस्ट था 120, अभी डाउन आया है, तभी मैंने आपके लिए वीडियो बनाई है कि ठीक समय है इसका खरीदने का, लेकिन आगे बताता हूं मैं आपको, डाउन गया है अभी 114 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले वीक की बात करें तो पिछले वीक 129 हाईएस्ट था, मतलब लगभग इतना ही था, 10 रुपए का फर्क है। पिछले मंथ की बात करूं तो 217 रुपीज हाईएस्ट है इसका, और अगर ईयर की बात करूं मतलब उससे पहले भी 219 जो इसका हाईएस्ट था, मतलब मैक्सिमम इसका हाईएस्ट 219 है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, मैं इसके बारे में आगे बताता हूं। इंडियन क्वाइन हम इसको कह सकते हैं दोस्तों, अब इंडियन क्वाइन कैसे कह सकते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो अभी हम बैक चल लेते हैं, आज जो ट्रेड करा 114, ओके अब बैक चल लेते हैं और आ जाते हैं गूगल पे सर्च कर लेते हैं अबाउट मैटिक। देखिए इथेरियम के ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, ये मैं आपको बता चुका हूं। नीचे देखिए जयंती कनानी ये इसके को फाउंडर है, संदीप नालीवाल ये भी इसके को फाउंडर है, और नीचे आ जाते हैं जो अनुराग अर्जुन ये भी इसके को फाउंडर है, तीनों बंदे अपने भाई इंडियंस हैं, तो इस पर हम विश्वास तो करना बनता है यार देव, हम सबके कॉइन पे विश्वास कर लेते हैं, अपने इंडियन भाइयों ने बनाया जरूर, एक को फाउंडर सारे इंडियन है तो विश्वास कर लेते हैं। $1.7 पे अभी है ये कॉइन, मार्केट कैप पे आ गया हूं मैं। अगर मैं मार्केट की ये देखिए, ये जितने भी एक्सचेंज है, बाइनेंस हो गया, कॉइन बेस हो गया, हबी ग्लोबल हो गया, जितने भी सब पे देखिए, ये लगभग सब पे लिस्टेड है, ऐसा कोई नाम नहीं देखेंगे। देखिए वजीर एक्स आ गया, बाइनेंस तो आ ही चुका है, देखिए सब पे लिस्टेड है, मतलब मैं अगर बात करूं मोर देन 100 एक्सचेंज पे लिस्टेड है, तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ऐसा छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, इथेरियम के ब्लॉकचेन पे काम करता है। और अगर मैं नीचे ले आता हूं एक बार आपको यहां पर भी दिखा देता हूं, ये सारी एक्सचेंज है, देखिए ओवरव्यू पे क्लिक कर देते हैं, ओवरव्यू पे इसका मार्केट कैप वगैरह दिख जाएगा। अभी देखिए प्राइस चल रहा है $1.47 और अगर मैं नीचे बात करूं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम आ गया, ये आपका ये प्राइस चेंज मैंने आपको बता दिया कि इतना डाउन गया, 0.06965 जो है 24 आवर्स में डाउन गया। और अगर मार्केट कैप की बात करूं तो 9.249 मार्केट कैप है, 9 बिलियन मतलब मार्केट कैप है, आप इस पे
आगे चले जाते हैं, नीचे मैं आपको और दिखा देता हूँ, लगभग सब जगह ये अवेलेबल है। और आगे बात कर लेते हैं इसका फ्यूचर के बारे में, क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, इन सब के बारे में। दूसरा कॉइन है जीआरटी द ग्राफ। जब भी लिस्टेड होता है किसी एक्सचेंज पे तो कॉइन पंप करता है बोलते हैं, मगर इस कॉइन के साथ उल्टा गया। मानते कि नहीं मानते, कॉइन स्विच पे जैसे ही लिस्टेड हुआ तो ये आया था 60 रुपए पे, और जब लोगों ने लगाना पैसा शुरू करा तो डाउन हो गया। हुआ कि नहीं? अब देखिए अब किस पे ट्रेड कर रहा है, 51-52 पे ट्रेड कर रहा है। कॉइन के बारे में जान लेते हैं और फिर दोनों कॉइनों के बारे में बताऊंगा कब पंप होगा, आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, दोनों जब बातों का ख्याल रखूंगा। आपकी प्रॉफिट दिलाना है आपके भाई एसएमसी कपिल देव ने, तो इस कॉइन के बारे में जान लेते हैं। पहले मेरी स्क्रीन पे आ जाइए तो दोस्तों बात कर लेते हैं। देखिए पहले मैं आ जाता हूं कॉइन मार्केट कैप में, आप भी आ सकते हैं कॉइन मार्केट कैप में, किसी भी कॉइन के बारे में सर्च करना हो यहां आपको परफेक्ट उसकी बारे में पता चल जाता है। जीआरटी प्लस कर देते हैं, द ग्राफ ये सबसे टॉप पे आ गया, इस पे कर देते हैं क्लिक। अब देखिए ये नीचे जाते हैं, अभी का प्राइस क्या है, 0.6636 डॉलर, आईएनआर में नहीं दिखाता तो डॉलर में बात कर लेते हैं। और देखिए कॉन्ट्रैक्ट किसके कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, इथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है, जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया है। और नीचे चलते हैं, इसका ग्राफ है, अभी तो फिलहाल नीचे गया हुआ है, आगे चल लेते हैं ग्राफ के बाद। ये देखिए प्राइस है 0.66 डॉलर, ये अभी का प्राइस है। प्राइस चेंज मतलब 24 आवर्स में कितना हुआ है, डाउन हुआ है 0.0255 डॉलर, ये डाउन हुआ है। और अगर और मैं नीचे चला जाता हूं, ये देखिए ये है 82.66 है, जो मतलब ये है 83 मिलियन डॉलर, ये मिलियन डॉलर इसकी मार्केट कैप है, तो ये भी पहुंच जाते हैं नीचे। अब नीचे मैं आपको दिखाता हूं कि कहां कहां लिस्टेड है, तो नीचे चल लेते हैं। ये देखिए ये बाइनेंस पे लिस्टेड है, कॉइनबेस पे लिस्टेड है, हैप्पी ग्लोबल पे लिस्टेड है, बाइनेंस पे आप यूएसडीटी में ले सकते हैं। और भी अगर मैं सी मोड पे करता हूं और देख लेते हैं कितना आता है, अरे बहुत सारी बहुत जगह लिस्टेड है यार, आपको लगभग ये सभी जगह मिल जाएगा। अभी फिलहाल ये कॉइन स्विच पे जो है लिस्टेड हो चुका है 2-3 दिन पहले, बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। देखिए सब पे लिस्टेड है, सब पे लिस्टेड है। और अगर मैं बात कर लूं इसकी, यहां पर आ जाते हैं और सर्च करते हैं कॉइन स्विच का, इसका ये कॉइन स्विच का है, क्या कहते हैं इसको यार, इंटरफेस कॉइन स्विच का इंटरफेस है, पहुंच जाते हैं। देखिए ये 60 रुपीज पे लिस्टेड हुआ था, अभी 51 का ट्रेड कर रहा है, 51.78 पे ट्रेड कर रहा है और डाउन जा रहा है, 50 के आसपास आ सकता है, 50 के आसपास कर लेते हैं। वन वीक के पहले बात कर लेते हैं, और वन मंथ पे मतलब 94 हाईएस्ट था वन मंथ पहले, और अगर मैं टू मंथ जो ये मतलब 2 महीने पहले की बात कर लेते हैं, इसमें नेक्स्ट ईयर दिखा रहा है, मगर ये 1 महीने से बात जब भी होता है नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाता है। तो अभी कितने का मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब 2 मंथ पहले ये था 217 रुपए का, 217 रुपीज का था, अभी कितने पे ट्रेड कर रहा है, 51 पे। आज का हाईएस्ट था 54.95 पैसा आज का था ये। तो दोस्तों ये दो क्वाइन मैटिक और जीआरटी मतलब द ग्राफ, ये दोनों क्वाइन अब बहुत बढ़िया ट्रेड करने वाले हैं। दोनों क्वाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दोनों ही क्वाइन इथेरियम के ब्लॉकचेन इथेरियम के कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। मार्केट कैप आपने देख ली है, मार्केट कैप आपने देख ली है, मार्केट कैप का क्वाइन का प्राइस का है, दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अगर मैटिक की बात करूं तो अभी फिलहाल 116-117 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर मैं बात करूं जीआरटी की तो ट्रेड कर रहा है 52-51 भाई भूल भी जाते हैं, ऐसा थोड़ी है बिना चीज के देख रहे, बिना ऐसे बोल रहा हूं आपको, बिना प्रॉम्प्टर के कसम से, कोई प्रॉम्प्टर नहीं लगा, याद कर रहा है आपका भाई। अब ये दो क्वाइन है जो, अब फ्यूचर की बात कर लेते हैं, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है दोस्तों, दोनों दोनों के बारे में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। इथेरियम के ब्लॉकचेन पे तो काम कर ही रहे हैं, इथेरियम अभी डाउन है तो थोड़ा बिचारों को सफर करना पड़ रहा है दोनों क्वाइन को, मगर दोनों का टीम वर्क बहुत ही बढ़िया है, प्लस मिलेगा। अगर मैं मैटिक के बारे में बताऊं तो कहीं भी जा सकता है दोस्तों, कहीं भी, अगर मैं बात करूं 500 भी चला गया तो बहुत छोटी बात नहीं होगी, तो होल्ड करना बनता है बॉस, होल्ड करके बैठ जाओ, 10-20 रुपए पे नहीं बेचना है। फिलहाल 217 रुपए का क्वाइन है, मतलब हाईएस्ट बता रहा हूं, 217 की हाईएस्ट है, और अभी ट्रेड कर रहा है 117 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप इसको होल्ड कर लेते हैं तो 250 पार समझो, मगर थोड़ा सा वेट करना है। अगर मैं आपको टाइम की बात बताऊं तो वन मंथ,
वन मंथ आप इसको होल्ड कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपको इसमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। और यही बात है जीआरटी द ग्राफ की, अगर आप इसको भी होल्ड करते हैं तो आपको 3x प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, अपने ऑल टाइम हाई को ये छुएगा और उसको ब्रेक करके आगे जाएगा, मगर उससे पहले हम लोग इसको बेच देंगे। अगर मैं बात करूं 2x प्रॉफिट की जीआरटी की, तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसको भी आपने करना है वन मंथ होल्ड। और जिन लोगों ने ले रखा है ना, घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों, दोनों आपने जो पैसा लगाया बिल्कुल स्ट्रांग प्रोजेक्ट में लगाया। बहुत लोग पैनिक है, सर क्या होगा क्या नहीं होगा, भाई दिलासा दे देता है आपका भाई एसएमसी कपिल देव, कुछ नहीं होगा यार, घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया कॉइन है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया कॉइन है, आपने पैसे डाल लिया, विश्वास मानो एक महीने में आपको 2x 3x प्रॉफिट मिलेगा ही, और मैटिक में और ज्यादा प्रॉफिट होगा, पक्की बात है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना ताकि आप मेरी वीडियो देख पाए सबसे पहले। टेलीग्राम को ज्वाइन करो यार, 12k हुए हैं अभी तक मेरे और 30k ऑन माई यूट्यूब। थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना सपोर्ट देते हो, ऐसे ही सपोर्ट देते रहना, अपने भाई को प्यार करना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो होगी इससे भी धक्कर दमदार, और आपके लिए लाऊंगा बहुत ही ज्यादा जबरदस्त क्वाइन प्रिडिक्शन, भूल गया था। थैंक यू सो मच।